माँ भवानी फिल्म का टाइटल है और भवानी स्वरूपा लक्ष्मी स्वरूपा हमारी आम्रपाली दुबे यहाँ पे हैं और इनको लेकर के हम सिनेमा की शुरुआत की है और भगवती का माँ भवानी का आशीर्वाद हम लोग को मिले, बस यही मंगल कामना है। आप क्या कहते हैं? मुझे जब से आज मुझे 9 साल हो गया इंडस्ट्री में, अभी कुछ महीनों में 10 साल पूरे हो जाएंगे, और मैं जब से इंडस्ट्री में आई थी तब से मेरा बहुत मन था कि मैं एक ऐसी फिल्म करूं, एक जिसका बेस ही हो भक्ति, और वैसी फिल्म करने का मौका मिल रहा है। उसको डायरेक्ट कर रहे हैं रजनीश जी, जो मुझे पता है क्योंकि मैं पर्सनली भी सर को जानती हूं, तो मैं जानती हूं कि वो पर्सनली कितने स्पिरिचुअल इंसान हैं, कितने रिलीजियस इंसान हैं। तो जब उनके डायरेक्शन में और ये फिल्म बना रहे हैं पंकज जी और अभय जी, उनके प्रोडक्शन में जब ये फिल्म करने का मौका मिल रहा है तो बहुत खुशी हो रही है। जो बोलते हैं ना कि थोड़ा लेट मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, यही है वो फिल्म। मुझे लगता है कि मुझे कुछ समय लगा भक्ति मूवी करने के लिए, लेकिन इतने समय बाद कर रही हूँ तो बहुत अच्छी टीम के साथ कर रही हूँ, और माँ की कृपा होगी तो फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। सर, आपको डर लगता है माँ भवानी से? तो दुनिया डरता है और डरनी भी चाहिए। हाँ, अगर आप अपने आप को गलत राह पे रखते हैं तो बिल्कुल डरना लाजमी है, पर माँ भवानी का वो रूप भी है जहाँ पे वो माता स्वरूपा हैं। तो जब आप एक बच्चे की तरह, एक भोले इंसान की तरह माँ भवानी के चरणों में रहेंगे तो हमेशा माँ का प्यार मिलेगा। जब दुष्टता करेंगे, दुष्ट बनेंगे, तो माँ से डरना ही चाहिए, वो डराती हैं। और मैं इस पर मैंने एक मैसेज रील्स पे एक देखा था कि एक किसी ने कहा था कि भगवान देख रहा है ये तो सबको पता है, पर कुछ लोग कहते हैं कि अरे 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 मैंने क्या कर दिया, भगवान देख रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि अरे जो होना है होने दो, भगवान देख रहा है। हाँ, तो माँ तो हमेशा देख रही है। आपने इंसान के मन का चोर इंसान को पता होता है, तो जिसके मन में चोर है वो माँ से डरेगा, जिसके मन में कुछ नहीं है पता है कि माँ संभाल लेगी तो माँ पे भरोसा करेगी। कोशिश तो हमारी यही, हमारी कोशिश रहेगी बिल्कुल। और देखिए, नॉन वेज वैसे खाना स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, पर क्या है, भोजन के ऊपर बहुत जगह ऐसी जगह भी है जहाँ पे माँ को भोग में ही वो मतलब बलिदान की प्रथा है, और हमारे विंध्याचल में या मैहर में हर जगह माता के लिए बलि की प्रथा है, और एक खान पान से माँ का कुछ लेना देना नहीं है, वो उसके ऊपर एक बहुत बड़े कथा सागर में मैंने ये पढ़ा था कि शिव जी का एक भक्त था जो जाने अनजाने शिकार करके लाता था और वो चिड़िया मार के लाता था, खाता था, और एक 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 पत्थर था जहाँ पे वो हमेशा रहता था, तो एक हड्डी तोड़ के ना एक एक टांग तोड़ करके उस पत्थर पे चढ़ाता था और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो उसने उन्होंने ये नहीं देखा कि ये क्या खा रहा है, बस उन्होंने भक्ति देखा, भाव देखा कि ये पत्थर को भी एक टांग अर्पित कर रहा है जो अपने लिए मार के लाया है। भगवती है, जगत जननी है, उसी ने सब कुछ बनाया है, और हम अपने खान पान, अपने रहन सहन से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो स्वयं ही हमको कंट्रोल करती है कि हमको कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे जीना है। हमको लगता है प्याज लहसुन नॉनवेज छोड़ के मन में खराब भाव हो, और सब खाने के बावजूद आप मन के साफ हो, आपके मन में अच्छा भाव, मन से साधु बनिए। हाँ, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं, ये हम सबकी कोशिश है कि हम लोग सिर्फ वेजिटेरियन ही नहीं, वीगन भी हो जाए। हाँ, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा, बहुत जरूरी। और हमारा धर्म हमको बचपन से यही सिखाया है कि आप एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट से थोड़ा बच के रहें, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो करें, और इस फिल्म के सेट पे तो पूरी तरह कोशिश। इसमें स्मृति जी कर रही हैं, ये भवानी है और वो माँ भवानी है, हमारे अवधेश मिश्रा जी हैं, अनीता रावत जी हैं, मतलब इंडस्ट्री के जितने भी बेस्ट आर्टिस्ट इस फिल्म को दिया जा सकता है, इसके जो कैरेक्टर्स दिए सकते हैं, वो सारे लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है
कि भगवती की कृपा होगी, अच्छा बन जाएगा, सबको प्यारा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। माँ भवानी की बात हो, भगवान राम की बात हो, नहीं हो, उसमें चर्चा का है पूरे देश में, अयोध्या में अब नदी नजदीक आ गया है, उसको कुछ कहना चाहेंगे? तो बहुत ज़्यादा आजकल पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है, क्या आप दोनों जा रहे हैं अयोध्या दर्शन के लिए जिस दिन ओपनिंग हो रहा है? बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको इस जीवन काल में ये दृश्य देखने को मिलेगा, ये क्षण देखने को मिलेगा कि श्री राम जन्मभूमि पर रामलला का मंदिर बन चुका है इतनी भव्यता से, और वहाँ पर जाके हमको दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। इस मंदिर के लिए कई लोगों ने बहुत प्रयास किया, कितने पुरखों ने अपने बलिदान दिया, तो हमको ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम जाके दर्शन कर पाएंगे। हमको लगता है कि हमारे 400 सालों के बाद प्रभु अपने घर को लौट रहे हैं, हमारे कितने जन्मों का पुण्य होगा कि हमको दर्शन करने हमको हम उस काल में जन्मे हैं। 14 साल के वनवास के बाद दिवाली मनाया जाता था, मनाया जा रहा है अभी कई साल, जैसे सर बता रहे 4 साल, मुझे आइडिया नहीं है, बहुत सालों का संघर्ष रहा है। तो बस प्रभु की कृपा हम सब पे बनी रहे। जय जय सीताराम, जय माँ भवानी।